जय माता दी। दोस्तों आज मैं खाना की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, आज बिटिया रानी को माता रानी बनाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिटिया रानी माता रानी बनने जा रही हैं। यहाँ पे मैंने साड़ी पहना दिया है, चलिए तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तैयार किया था फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ले लिया है लवली, और लवली थोड़ी सी लगा रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी फाउंडेशन ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तैयार किया था, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मैं फेस में लगा दूंगी और अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे। ज़्यादा कुछ मैं नहीं हैवी नहीं करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे से आप लोग भी तैयार कर सकते हो बच्चों को। इस तरीके से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे को मिक्स कर दिया, अच्छे से मिला दिया है फेस में। और यहाँ पे मैं पॉन्स पाउडर ली हूँ, पॉन्स पाउडर इनको सूट करता है। ऐसे ज़्यादातर मैं भी यूज करती हूँ यहीं, क्योंकि मुझे यहीं अच्छा लगता है, इसका सुगंध भी मस्त लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने पॉन्स पाउडर इनको लगा दिया फेस में, अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने मिला दिया है, ये पाउडर जो है हमारा मिल चुका है। यहाँ पे है लिपस्टिक, लिपस्टिक लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको लिपस्टिक लगा दी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया, आगे का स्टेप देखते हैं अभी क्या करना है। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए साइड में लगा होगा, तो इसको इस तरीके से साफ कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग छोटे बच्चों को भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल। मैं यहाँ पे कोई भी आई शेडो या फिर कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बच्चे का जो चेहरा है मुलायम होता है, चमड़ा कोमल होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यूज नहीं करती। आज मैं माता रानी बना रही हूँ इसीलिए मैंने फाउंडेशन लगा दिया है, नहीं तो मैं नहीं लगाती। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिंदी लगा दी है, काजल भी हो गया, बिंदी भी हो गया। और आप चाहें तो यहाँ पे आईब्रो पास, आपके पास कुमकुम है तो उसको लगा सकते हैं। कुमकुम नहीं है यहाँ पे, मैं बिंदी चपका रही हूँ। मैंने पूछा था इनसे कि आपको लगाना है, तो बोल रही हैं कि हाँ लगाना है, इसलिए मैंने चिपका दिया यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और यहाँ पे मैं चैन पहना रही हूँ, बड़ा वाला हार है तो आप लोग पहना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चैन पहना दिया और यहाँ पे हार पहना दिया। थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो आपके पास बड़ा वाला हार है तो उसको डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने कान वाला भी पहना दिया, और देखिए हाथ में भी हो गया। और यहाँ पे टीका मैं लगा रही हूँ, तो टीका इस तरीके से सेट कर देंगे, उसके बाद नथिया इस तरीके से सेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं नथिया भी सेट हो गया, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। थोड़ा खड़ी हुई है, इस तरीके से मैं चुन्नी को सेट करूँगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेट कर। मैं देखिए पिन से इस तरीके से इसको कर रही हूँ, ये गिरेगा नहीं, बची है थोड़ा सा चलेगा, इसलिए मैं सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने चुन्नी लगा दिया है। अब बारी है मुकुट की, तो मुकुट सेट करनी है इस तरीके से, हम लोग मुकुट लगा देंगे। देखिए तो देखिए मुकुट सेट हो गया है, अब बारी है दुर्गा जी की त्रिशूल लेने की। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि, मैं माता रानी के रूप में आप लोग को कैसे लग रही हूँ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता रानी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली लुक जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप लोग देख कर बताइएगा कि हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं। तो फाइनली लुक यहाँ पे पूरा रेडी। तो दोस्तों आप सबको हमारी माता रानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, आप लोग देख के बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे छत पे भी मैंने शूट कर दी थी वीडियो, शाम हो चुका था इसलिए फोटो क्लीन नहीं आया है वीडियो। आप लोग देख सकते हैं हमारी माता रानी चल के आ रही हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी दुर्गा माता को एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कल रेसिपी के साथ। आज के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से मेला स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेला घूमिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।